स्टूडेंट अब हम जानेंगे जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके बारे में। जो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है इट इज बेस्ड ऑन आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उस पे बेस्ड है आपका है। तो ये एक्चुअल में है क्या कि अगर आपको कोई दो गिवन नंबर है आपको उनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको वो फाइंड करना है। तो आप इस जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज करके आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने पढ़ा है। सो यहां पे क्या है, जो स्टेप्स है जो हमें यहां पे देखने हैं, टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव एंटिटीज ऑफ एम एंड एन। यहां पे कंडीशन है विद एम ग्रेटर देन एन, यानी कि यहां पे दो नंबर लिए इन्होंने, वन इज एम जो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये वाला, दूसरा आपका एन। वो कंडीशन जो आपका एम है वो एन से बड़ा है। द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड, जो कि स्टेप है इस तरह से देखिए। अब हमें पता है किन्हीं भी दो गिवन नंबर के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, दैट इज अगर हमारे पे दो नंबर है ए और बी, तो इन दोनों नंबर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से, दैट ए इज इक्वल टू आपका बी क्यू प्लस में आर, अगर यहां पे आपका जो ए है वो बी से क्या है बड़ा है। तो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इन्होंने नंबर क्या लिया, एम और एन, यानी कि इन्होंने यहां पे ए को एम माना है और आपका बी को क्या माना है, एन माना है। तो अगर मैं ये वाला अप्लाई करना चाहूं तो किसका लिखूंगा, फिर मैं एक जगह पे एम लिख दूंगा, यानी कि एम इज इक्वल टू आपका जो आपका बी है, बी यहां पे एन लिख दूंगा, दैट विल बी एन एन क्यू प्लस में आर। ये यहां पे जो हमें नंबर थे हमने उनको यूज करके जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसका इस्तेमाल करके हमने यहां पे लिख लिया, राइट। अब यहां पे क्या कह रहे हैं, अप्लाई जो फर्स्ट स्टेप है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड क्यू एंड आर वेयर एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस में आर। सो जब आप यहां पे ये डिवीजन जो आपका यूक्लिड आपका जो लेमा है उसको यूज करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्यू एंड आर आ जाएगा। आपने फाइंड कर लिया। अब ये किस तरह से, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे आपको साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझाता हूं। लेट्स सपोज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं यहां पे 6 और 2 का एचसीएफ, राइट। तो अगर मैं 6 को लिखना चाहूं इस तरह से तो मैं किस तरह लिखूंगा, आई कैन राइट, ध्यान से देखिए बिल्कुल, 6 इज इक्वल टू दैट विल बी 2 इनटू में 3 प्लस में 1। यहां पे 1 नहीं आएगा, यहां पे आपका 0 आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हमारा यहां पे हमने जो का 6 और 2 था उसको हमने जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था उस फॉर्म में हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको लिखने का तरीका है, अगर सपोज करो आपके पास है यहां पे आपका कोई आपका 17 है, आपको 2 से करना है तो आपका 2 8 16 1 बचा, तो उसको भी आप ऐसे डिवाइड करके आप उसको फिर 17 को यहां लिखेंगे इज इक्वल टू जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज बी हमारा डिवाइजर, उसको यहां लिखेंगे इनटू में 8 और प्लस में 1 जो हमारा रिमाइंडर बचा। ये हमारा आर हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहां पे जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज बी, और ये हमारा क्या हो गया यहां पे ए हो गया, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आ रहा किस तरह करना तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप था हमें सिर्फ उसको लिखना है उस तरह से, तो हमने आप देखेंगे कि जो एम एंड एन था उसको लिख लिया हमने, यहां पे 6 को भी इस तरह से लिख लिया, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको भी मैंने यहां पे आप देखेंगे यहां पे मैंने इसको लिख लिया 17 अगर यहां पे जो मेरा ग्रुप था वो क्या था 17 और 2, वहां पे क्या था 6 और 2, राइट। तो मैं ये साथ आपके दो एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो आपको इस स्टेप में समझ आने वाला है। अब जो सेकंड स्टेप ध्यान में देखिए, इफ द रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 0
then the HCF will be n. कहना क्या चाह रहे हैं यहां पे कि ये मेरा m था, ये मेरा n था, यहां पे ये मेरा m, ये मेरा n, राइट? जो आपका बेसिक, जो आपका जनरल फॉर्म, उसमें क्या होता है, ये होता है a. बट हमने यहां पे क्या लिया है, हमें जो एग्जांपल में दिया है वो m और n लिया है, और उस m और n की वैल्यू भी हमने ले ली है यहां पे, आप तो देख पा रहे हैं, ठीक है? अब यहां पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि इस केस में तो रिमाइंडर जीरो बच रहा है, ये देखिए यहां पे रिमाइंडर जीरो बच रहा है, बट इस केस में रिमाइंडर जीरो नहीं बच रहा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या रहा है, वन आ रहा है. तो क्या बोला, अगर वो जीरो बच रहा है तो जो यहां पे एन होगा दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर, यानी कि यहां पे जो एन है ये क्या है, मेरा एन है, एम इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, एम सिक्स हो गया, ये मेरा एम हो गया, यहां पे एन ये है और क्यू क्या है मेरा, ये क्या है मेरा क्यू, और ये क्या है मेरा आर, जो आप नीचे देख पा रहे आर. सो इसका मतलब यहां पे जो एन आया वो एन क्या आया, टू हो गया. तो इसका मतलब सिक्स और टू का जो एस सी एफ है वो क्या होगा, वो टू होगा, जो यहां पे एन बच रहा है. अब यहां पे अगर आपका जो रिमाइंडर है वो नहीं बच रहा है आपका इक्वल टू जीरो, बट इफ द आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू एन एंड आर. यानी कि इस केस को देखिए, इसमें जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं बच रहा है स्टूडेंट. अब हम क्या करेंगे यहां पे कि जो आपका एन, यहां पे एन क्या है, ये आपका एम था, ये आपका n है, ये आपका q है, ये आपका r है. तो अब हम इस n पे और इस r पे हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे आपका क्या, डिविजन लेमा. किस तरह से करेंगे, आपका ये n क्या है 2, तो आपका जो r है वो 1 है, तो इसको आई कैन राइट 2 इज इक्वल टू 2, आपका जो यहां पे जो डिवाइजर है वन है यहां पे, तो यहां पे वन लिखेंगे हम, दैट इज वन इन टू में टू प्लस में जीरो. तो ये मेरा एम हो गया, ये मेरा एन हो गया, और ये मेरा आर हो गया, और ये मेरा क्यू हो गया. क्या आ गया, जो रिमाइंडर था वो हमारा जीरो आ गया. तो जब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाएगा, उस स्टेप पे जो मेरा एन है दैट एन विल बी माई एच सी एफ. यानी कि जो आपका यहां पे एच सी एफ आएगा आपका टू का और सेवनटीन का, दैट विल बी वन. सो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो हमें दो, जो हमें पेयर दिया गया है नंबर का, हमें उसमें अप्लाई करना है फर्स्ट क्या, आपका जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, हमने अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद दो केस होंगे, या तो रिमाइंडर जीरो आएगा या फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, राइट? अगर रिमाइंडर जीरो आया, उस केस में जो मेरा एन है दैट एन, यानी कि जो डिवाइजर है वो डिवाइजर विल बी द एच सी एफ, राइट? आपका स्टेप यहां पे खत्म हो गया. बट अगर आपका जो आर है वो इक्वल टू जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो इस केस में आपका एन और आर था, उस एन और आर पे हम दोबारा से क्या करेंगे, आपका डिवीजन जो लेमा है वो अप्लाई करने वाले हैं. उसके लिए जो एन है वो क्या बन गया, एम बन गया, और जो आर था वो क्या बन गया, एन बन गया, राइट? जो हमने अप्लाई किया तो जो हमारा रिमाइंडर था वो कितना आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया. अब जब भी जीरो आएगा उस स्टेप पे चेक करो कि आपकी एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, वन है. यानी कि टू और सेवनटीन का जो एस सी एफ है वो क्या होगा, आपका वन होगा. यही आपका, ये जो आपका ये हम देख रहे हैं जो डिविजन एल्गोरिथम है आपका, यही आपका हमें बता रहा है. कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस अंटिल we get the remainder as zero. Now the divisor at
एट दिस स्टेज विल बी एचसीएफ ऑफ एमएनएन। जब भी जीरो बच जाए और जब भी हमारा जो रिमाइंडर जीरो बच रहा है, उस स्टेप पे जो हमारा एन होगा, जो डिवाइजर होगा, राइट, दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर जो हमें गिवन है, राइट। ऑल्सो एचसीएफ ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एन एंड आर। ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए, जो हमने यहां पहले एम और एन लिया, इनका एचसीएफ कितना आया, वन आया, हमने यहां पे इसके इसमें जीरो आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ जो हुआ यहां पे, वो एचसीएफ क्या हुआ, वन हुआ, राइट, एचसीएफ वन हुआ। सो जो ये वन एचसीएफ है, ये 17 और 2 का भी है, और जो सेकेंड स्टेप में जो हमारा यहां पे आया था, ये एन और ये आर आया था, यानी कि 2 और ये 1 आया था, इसका एचसीएफ भी क्या होगा, आपका 1 होगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी स्टेप मिलेंगे, उन हर एक स्टेप में जो एन और जो आर है, उन सब का भी एचसीएफ क्या होगा, यही होगा जो हमारा उस लास्ट स्टेप में एन आ रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि हम किस तरह से इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर। अब यहां पे जो हमारा एक बेसिक, हम हमेशा जानते हैं कि हम किस तरह से आपका जो एचसीएफ है दो नंबर का फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर मैं आपका दो नंबर ले रहा हूं 6 और आपका लेट्स सपोज 12, मुझे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, जो हमें एचसीएफ बोलते हैं, उन्हें निकालना है। तो इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे कि मैं अब यहां पे 6 के फैक्टर ढूंढूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर, तो इसके फैक्टर मतलब जिससे ये कट सकता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, और ये 6 हो सकता है, ये इन सभी नंबरों से ये डिविजिबल है। अगर मैं 12 की बात करूं स्टूडेंट, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपका 3 हो सकता है, आपका 4 हो सकता है, और आपका 6 हो सकता है, और आपका 12 हो सकता है। ये सब नंबर है जिनसे 12 डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है। इन जनरल वे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कि जो हमें फैक्टर मिले हैं इनमें से हाईएस्ट, सबसे बड़ा और कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा देखूं तो 12 का सबसे बड़ा क्या है, 12 ही है फैक्टर, यानी कि 12 से 12 कट जाता है, बट 12 क्या 6 का फैक्टर है, नहीं है। अब ऐसे हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा भी हो और कॉमन भी हो, दोनों में हो। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, कि जो हमारा सबसे छोटी सीरीज है ना, जैसे आपका ये 1 2 3 6, इसमें 4 ही नंबर है आपके, राइट, तो उसमें सबसे लास्ट में देखो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, 6 है, राइट, क्योंकि हमने इनको आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में आएगा उससे बड़ा होगा, 6 सबसे बड़ा है। अब 6 को कंपेयर कीजिए यहां पे जितने भी हैं, क्या इन नंबरों में 6 है कहीं पे भी, हाँ ये रहा 6 है यहां पे, तो जो उसका सबसे बड़ा है वो क्या है, 6 है, और इसका सबसे बड़ा 12 है, 6 इसका सबसे बड़ा नहीं है, बट क्योंकि 6 इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक तरीका हुआ हमने निकालने का, सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर। नाउ सेकंड वे क्या हो सकता है हमारा, 6 को 12 के यहां पे लिखा, इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो किस तरह करेंगे स्टूडेंट, इसका क्या होगा, जो प्राइम नंबर, इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 × 3 हो जाएगा, और जो इसके होंगे वो कितने होंगे, 2 × 2 में 3, जो कॉमन है उनको आप यहां पे इस तरह सर्कल कर लीजिए, ये हो गया, और एक ये कॉमन है, यहां से 2 और यहां से 3, मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 6 आएगा। तो एचसीएफ कितना आया आपका, दैट इज इक्वल टू 6।
सो हमारे पास ये भी तरीका है, बट स्टूडेंट क्या है जो हमने जो अभी पढ़ा, डिवीजन जो आपका एल्गोरिथम है, राइट, जबकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उसमें क्या है कि अगर हमें नंबर बहुत बड़े दिए हैं तो उनका हमें इस तरह से फैक्टराइज करना विल बी वेरी डिफिकल्ट. क्यों? अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दिया, लेट्स सपोज हमें दिया है 10256, बहुत बड़ा नंबर दिया है, 5 डिजिट का है, 7-8 डिजिट का है, तो उसको आपको फैक्टराइज करना क्या होगा आपके लिए, बहुत यू नो डिफिकल्ट होगा. फैक्टराइज आप कर लेंगे बट आपका पूरा पेजी भर जाएगा, राइट. तो उन्हीं सबको ओवरकम करने के लिए जो हमारी जो हमारे इस वाले तरीके में जो बहुत छोटे नंबरों के लिए दैट इज वेरी यूजफुल, राइट, ये बहुत यूजफुल है. बट जो बड़े नंबर है, बिगर नंबर है, लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पे 40026 एंड 4278, इन दोनों का निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर आपको एक को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर आपको कोमा लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, राइट. अगर आपने इस तरह से किया तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है, बट अगर आप उसको इस तरह से करेंगे तो दैट विल बी इजियर फॉर यू, ये आपके लिए बहुत आसान होगा. आपको जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा, आपको आप इन दोनों नंबर को उसका यूज करके बहुत ही इजी तरीके में इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल पाएंगे, राइट. तो एचसीएफ के निकालने के हमारे पास तरीके हैं, बट हमें क्योंकि हम आगे जो फर्दर क्लास में जाएंगे तो हमें हो सकता है बहुत बड़े बड़े नंबर का निकालने को आए एचसीएफ, तो हम उसको जो आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम है इससे यूज करके हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं.